ये मर्दों से क्या बात करूंगी मैं? हाँ, अरे इसको बोल रही डोंट कॉल मी, डोंट कॉल मी, तो भी ये कॉल किए जा रहा ब्लॉक है। कर दो ना, रिस्ट्रिक्शन रख में डाल दिया दो। ब्लॉक कौन? अभी। अरे उसके कॉल आने से लाइफ बंद हो गया हाँ यार, हाँ कौन भूतिया साला। था? रॉकी, रॉकी पागल सिंह। है क्या? जब मैंने बोला डोंट कॉल मी, मुझे पर्सनल में कोई कॉल मत करना चूतिए, वाह, मैं मर्दों से नहीं बात करती कभी, चूतिए मर्दों से, भोसड़ी के। ऐसे कॉल करना भी नहीं चाहिए ना। अरे जब कोई लेडी बोल रही है आपको कॉल मत करो, तो क्यों जबरदस्ती इसमें ठूसता रहता तुम्हारी माँ का भोसड़ा? मना कर रही हूँ, सही मना कर रही हूँ, लास्ट में ब्लॉक करना ही पड़ा ना मुझे। है। ऐसे ब्लॉक कर दूंगी कितनी बड़ी भी आईडी हो, मैं नहीं बात करती डीएम में। जो तो दिमाग होता था उसको थोड़ी ना करते कौन, सही नहीं। समझ ये नहीं आता ये लोग कॉल क्यों करते हैं पर्सनल। अरे पता नहीं यार, आके पूछो ना, तुम्हारी अम्मा बहन होती तो इधर आके पूछ लेते। हाँ यार, लाइट पे बैठी हूँ, क्यों कॉल करने का डीएम में? सही बात है, पर अब तो ब्लॉक ही कर दिया ना, अब नहीं आएगी कॉल। अभी लाइव पे भी नहीं आ पाएगा। अरे मैं यार पहले लाइव आने से पहले बोला डोंट कॉल मी, मुझे किसी आदमी से डीएम में बात नहीं करती हूँ मैं। इतना दिमाग होता तो कॉल करता। सत अरे तो श्री अकाल। वॉइस भेजा मैंने, ऐसा नहीं कि ये भेजा। सुहाना जी, आप इंडिया में कहाँ से हो? गुजरात मना से? कर रही हूँ, मना कर रही हूँ, तो भी कॉल किए जा रहे, कॉल जाने दो, किए हो जा गया ना ब्लॉक। अब नहीं आएगी कॉल, अब लाइव पे भी नहीं आएगा। रहे। अरे लेकिन यार, अगर कोई लड़की बोल रही है डोंट कॉल मी, तो आप मत करो जबरदस्ती, उसमें मैं ठूसे इतना जा रहे, जहमत ठूसे जा करता रहे। तो करता, अच्छा नहीं खासा लाइव करता। चल रही थी, लाइव को बिगाड़ दिया मादर फकर ने। ओके। अरे नहीं बचाना, घर टूर अभी नहीं करवा सकती हूँ। घर दिखाओ, घर दिखाओ, नहीं दिखाना यार। ऐड वही होना जो थोड़ा एंटरटेनमेंट करे पब्लिक को। एक तो मेरे को बुखार है यार, ये देख कहाँ पे निकल आया बुखार, देखना। हाँ, वो होता है ऐसा। जाके आए हॉस्पिटल या अरे नहीं गए आप? नहीं, हॉस्पिटल गए थे? डोलो घर पे गोली रखी थी, खा लिया था। डोलो मिलती है ना वहां पे तो। अच्छा पैरासिटामोल भी मिलता है, डोलो भी मिलता है। नाम भी कैसे कैसे है डोलो। अरे पटेल नीचे हो तो आप मैसेज करो जरा। हाँ और नीचे ही है। यार एक मेरा दोस्त बैठा है नीचे, वो लड़की को मेरी लाइफ नहीं दिख रही है बोल रहे। अब सबको तो दिख रही है, सब आईडी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? भी में हो रहा है। मलाइका दी, आप में नहीं, सभी लोगों में ऐसी इश्यूज चल रहा है। किसी लेकिन वो लड़का तो रोज में लाइफ पे बैठा रहता है आ सुबह रहा तक है। यार, अब दूसरी आईडी से देख रहे यार। मलाइका अच्छा जी नहीं आपको लगता। पूछ रहा है कि क्या ये लव बाइट है आपके चेहरे पे, होठ तेरी माँ का पे। भोसड़े को भेज, मैं काट के बताती हूँ। तेरी माँ को भेज। अरे आर्मी में गजब। हमको लव बाइट कैसे आएगा, हमारे पास कोई नहीं है भाई। लॉन्ग डिस्टेंस वाले है तो लव बाइट नहीं आएंगे। हाँ ना भाई, कैमरा ऑन करके आना जो भी आना, नहीं तो मैं नीचे फेंक दूंगी, हाँ भलो आईडी चिपक जाए। हेलो, हेलो। हाँ सामने आ जाइए ना, हेडलाइट बंद है मलिका दी, तो तो चालू आप कर दो। नीचे चले जाइए, आप नीचे चले जाइए, ओके आपकी मर्जी। मैं किसी और को ले लेती हूँ। ओके 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 बाय बाय भाई, कौन क्या बाय बाय।
कैमरा ऑन करके आएंगे वही आना, क्योंकि पब्लिक कैमरे के सामने देखना है आपकी मर्जी। और क्या, मेरी मर्जी, मैंने पहले ही बोला ना। कैमरा ऑन करके आना पड़ेगा, कैमरा ऑन करके आप जैसे दिखते हो, काले कल उठे जैसे भी दिखते हो चलेगा। या पर तेल पनोड़ी गलत था, उन्हें पता नहीं था ना। डेविड ये एक जन बोल रहा है लाइक है मेरे मेड में। हाँ एक जन बोल रहा है एग्जैक्ट करो लाइट है मेरे में। हेलो हेलो, कैसे हो मलाइका मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? अपन एक बार पहले भी मिले थे ना लाइव पे, आपके लाइव पे। अच्छा अभी शायद पिछले महीने की बात है, नाइट इसी टाइम था शायद तक, इंडिया में शायद 12-2 बज गए थे शायद तक। तो तुम क्या इंडिया के बाहर रहते हो? हाँ मैं यूरोप इटली में हूँ अभी फिलहाल। इंडिया कहाँ से हो? इंडिया राजस्थान से। अच्छा राजस्थान से। क्या करते हो आप वहाँ पे? वो यहाँ पे जो मॉल है, जो मगजिनो बोलते हैं ना, मगजिनो का जो है सुपरमार्केट का, उधर सामान वगैरह का। शादी हो गई आपकी? हाँ। बच्चे साथ में ही रहते हैं आपको? हाँ इधर ही रहते, मेरी पूरी फैमिली इधर ही है। अरे वाह, सोने पे सुहागा। मैं देखता हूँ मलाइका मैम की लाइव और पनोड़ी भाई की लाइव। पनोड़ी भाई की लाइव में तो आर्मी में देख चुका हुआ हूँ तो। अच्छा हाँ, तो मैं देखता रहता हूँ लाइव। कितने टाइम से लाइव देख रहे हो आप? मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ। अरे वाह। मैं तो आर्मी में, मैं इस पनोड़ी आर्मी में मेरे को 2 साल हो गए। ओके नीचे कोई पूछ रहा है? नहीं नहीं वो फेक आईडी है। नीचे कोई पूछ रहा है रूपा की बनी है ना? हाँ भाई इंडिया वाला ब्रांड पहनते हैं। सही है सही है। देखो कई कई चीजें होती है, मेरे को इंडिया के कपड़े पसंद है क्योंकि फिटनेस में भी अच्छे आते हैं, सेटिंग भी करा सकते हैं। और इधर वही है कि हमें है ना, जितने भी इधर रहते हैं ना यूरोप में इटली में, टाइम नहीं है। देखो क्यों, हम है ना सोमवार से लेकर शनिवार तक काम पे रहते हैं, संडे को एक दिन मिलता है। धूल इतनी है नहीं, एक बार पहनते 2 घंटे पहनते हैं। रुपाई 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 चलता है। हाँ तो ये चीज है, लेकिन मैं इंडिया से कपड़े लेता हूँ। मेरी तरह तो इतने ही मिलते हैं, पहनने के लिए टाइम भी नहीं मिलता ना। संडे को टाइम मिलता है, उसमें रेस्ट में चला जाता, साफ सफाई में और करके। रूपा भी यार मेला भी है, इधर ही मेला ही है। सब कुछ और ये ना आपके ना जलने वाले बहुत है साले, गालियां देते। वो तो रोस्ट करेंगे। नहीं सब लोग नहीं देते, सब लोग नहीं देते, एक आध लोग देते, सबको नहीं बोलना चाहिए। इनको मिलता क्या? इधर लिखने में भी टाइम खराब होता है, अंगुलियां भी दुखती है, लेकिन गाली देते हैं। एक्चुअली ना एक बाप का पानी नहीं है ये, चार बाप का पानी, इसलिए इनके पानी में कमजोरी है, पानी पावरफुल नहीं है इनके अंदर। ये एक ना एक कमेंट करूं मैं भी, बोल दूं कुछ? बोल दो बोल दो, कमेंट नहीं बोल दो। वो बोल रहा है तुम्हारा बड़ा कौन सी पेंटी हो, तुम्हारी मम्मी का देख ले जाके बोर्डे वाले। हाँ जो तुम्हारी मम्मी पहनती है वही। अभी 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 मैंने आईडी देख लिया, अभी मैंने उसको बाहर कर दिया। अब तो इनको ना पता नहीं, अभी डीएम में जाके चेक कर बिरा कौन सी पहनती है। अच्छा मैं लेती हूँ दूसरे को, है ना? ले लो ले लो। थैंक यू थैंक यू, आप आए बैठे हमें बहुत अच्छा लगता है। बाय 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 रूपा। ओके Adios. मलाइका रूपा बनिया।
अभी तो सब पहनते हैं ना। दीदी को ले लो, वो नीचे ही बैठा। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। कहाँ से हो? कोटा राजस्थान। आ? कोटा राजस्थान। अच्छा, तुम भी राजस्थान से हो? जी मैम। अच्छा, राजस्थान के लोग भी देखते हैं मुझे। बढ़िया बात है ना, आपके चर्चे बहुत है जमाने में। क्या बोलते थे? चर्चे बहुत है जमाने में, बढ़िया बात है। मैं हवा पास तो नहीं हूं ना? नहीं, अच्छा, तो क्या कौन सी करते हो आपको? आप? नहीं पढ़ाई करते हो? नहीं बिजनेस बढ़िया। अच्छा, क्या बिजनेस पढ़ाई करते हो? तो कर। मैम मेरे मेरा शोरूम है शूज का। अच्छा। और बताओ, आओ कभी राजस्थान। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। फेवर हो रहा है क्या आपको? काफी हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शांत बैठी दिन हूँ। से मैंने सोचा था आपसे लाइफ पे जोड़ने की, बाकी आज जोड़ ही लिया आपने। हाँ, मैं नाइट एक एक करके सबको ले रही हूँ। कन्या हो गए आप। मैं। बताओ राधे आप राधे। क्या कौन? मैं? युवराज जी, मेरे को फीवर आया था, तो अभी मैं यूएसए। जॉब पे गई थी और बहुत आप क्या रहते ज्यादा हो पेन हो गया। मैं यूएसए में रहती हूँ। मैम? यूएसए में। अच्छा, मेरे ब्रदर रहते हैं ओमान में। मलाइका मैम आप कहाँ रहते हो? मैं मुंबई रहती हूँ। आपके पहनावे से लगता है आपके। नहीं, बहुत सारी लड़कियां नहीं राजस्थान आप, में भी अच्छी है। नहीं आपने कैरेक्टर जो बना रखा है ना लाइफ में, इंस्टा पे प्रोफाइल वगैरह देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है, साड़ी वाड़ी पहनते हो। हाँ, साड़ी भी पहनती हूँ, वेस्टर्न भी पहनती हूँ। और सब बताओ, औरत को सब आओ। चीजें पहनना चाहिए। 100 दिन के हिसाब से 100 जोड़े कपड़े अच्छे लगते हैं। शॉपिंग हाँ। कस्टमर को बोलता हूँ, आओ कभी कोटा। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। और बताओ तबीयत कैसी है अब? नहीं, तबीयत खराब है मेरी अभी। अच्छा फीवर है तो क्या बोलो, पूरा बॉडी फीवर है। पटेल जी है क्या नीचे? पटेल जी? अरे नहीं, अब पटेल जी से भी थोड़ा नहीं दिख रहा है सा वो। अरे बहुत भाव खा रहा है, आ ही नहीं रहा है वो। जाने दो ना, आप भाव डर दोगी गया और वो यार, डर खाएंगे। गया बेचारा यार, वो उसको फेर सोना थोड़ी दी, खाना। सोना दीदी ये यूएसए में, बाकी इनको हिंदी कैसे आती है? मुझे तो इंडिया की है ना। मारवाड़ी भी आती है मुझे। अच्छा क्या बात है, हो तो मतलब वहां क्या जॉब? मुझे भी आती है। हाँ, मारो पधारो, मारो देश रे। पधारो मारे देश, वो नहीं, पधारो मारे देश राजस्थान रे। पधारो मारो देश बॉम्बे रे। मुझे मराठी आती है और गुजराती आती है, यही आ जाती है मारवाड़ी। मैं आपसे एक बात क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। बुरा मत मानना मैम। आप इतने क्यूट, इतने स्मार्ट लगते हो, आप मॉडलिंग क्यों नहीं कर सकते हो? अरे वो वो भी बॉम्बे आपको में नहीं रहते पता, हो। मलाइका दी मॉडल ही तो है भाई, मॉडलिंग में ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। बॉम्बे में बहुत सारे काम है, वो करके मुझे आराम मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मॉडल लोग क्या करते हैं, दिखावा बहुत करते जी हैं। जितना 20-25 हजार कमाती है ना, वो कपड़े खरीद के फिर दूसरे बार आइटम बनने के लिए खड़ी हो जाती है। इधर मॉडलों का देखो डिमांड वैसा नहीं है। तुम लोग मॉडल को अच्छा मत समझो, कि वो जो बाहर जो मॉडल रहते हैं ना, वो अलग मॉडल रहते हैं। इंडियन मॉडल मतलब कचरा। हाँ, हाँ वो आके ना, उनके यहाँ पे अगर मैं मॉडलों को देखती हूँ ना, तो
लास्ट में तरस आता है, तो नहीं क्या है काम करने का बहुत तरीका है अलग अलग, वो भी कर सकते हैं। मेरे क्या है घर में कुछ खबरी आई आज, बावरी से आया था, बावरी क्या से। हुआ मलाइका मेरे घर में कुछ खबरी आई आज। हाँ पर क्या है, सिस्टर क्या है एडमिट है ना, उनके क्या है लड़का है लड़की होने वाले हैं। अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मामा बनने वाले हो आप या बन गए? नहीं नहीं बनने वाले हैं, आज कल में बन जाएंगे। अरे वाह, तो क्या चाहिए लड़का लड़की? वो तो यार ऊपर वाले की देने जो दे दे वो सही, उसकी खुशी में सब राजी। सो जाओ भी। और बताइए। हाँ जी युवराज जी, बिल्कुल युवराज जी, आप झूठ बोलते हो, मुझे ना झूठे लोग पसंद नहीं। मलाइका मैम हाँ कभी आओ राजस्थान जयपुर, बिल्कुल कभी बिल्कुल आओ बेटा, कब मैं जरूर आऊंगी आपके उधर। मैं आओगे? जयपुर जयपुर जाती हूँ, अजमेर जाऊंगी ना, तो लाइव आऊंगी एयरपोर्ट से ही। पहले भी आके ऐसे चली हूँ, थोड़ी वीडियो डला हुआ है जयपुर का एयरपोर्ट का, हम लोग घूमते भी है वहां पे, तो कुछ फ्रेंड लोग आएंगे तो जरूर आएंगे। आप लोगों को कैसे पता चल पता जाएगा जब मैं वीडियो डालूंगी, तो पता चल जाएगा। अगर मलाइका दी लाइव ऑन कर देगी आपको पता चल जाएगा, आप लाइव ऑन कर नोटिफिकेशन ऑन कर दूंगी, दो। बोलूंगी आओ पधारी हूँ मैं तुम्हारे देश। नहीं नहीं हाँ मैं मैंने सही देश बोला, थोड़ी आओ पधारी हूँ मैं तुम्हारे देश। आधा हूँ। आधा मतलब मारवाड़ी, मारवाड़ी बोलते हैं ना उधर के, मारवाड़ी हाँ है ना। वो तो पाली साइड उधर बोलते हैं, पाली जोधपुर बीकानेर इधर बोलते हैं। हाँ युवराज सिंह पूछ रहा है कि क्या झूठ बोला मैंने मलाइका दी, वो मैं आपको मैसेज छोड़ दूंगी, आप देख लेना। ठीक है मैम, ओके ठीक है, फिर आना। हाँ मैं आपकी आईडी देख ठीक लेती हूँ, है अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। ठीक है चलिए मैम बाय। है ना मेरी ये फेक आईडी ओरिजिनल नहीं है, मैं मैसेज करूंगा उस पर है ना, ओके रिक्वेस्ट दे ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मैम है ना। ओके बाय 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 बाय। बाय। और कौन जय है? क्वीन आबाद, सही सब अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बात है। दिल्ली से गई पटना, पटना से गई मुंबई, मुंबई से गई दिल्ली, पता नहीं यार भूल गई। फिर भी ना मिला फिर भी ना सजना मिला सजना, फिर भी ना ना। मिला सजना, वो दीदी वॉइस याद। यू मैं आप कैन लोगों हियर मी, को एक एक करके ले रही हूँ। सो सोहाना जी मैंने आपकी स्टोरी लगाई है, देखो देखो प्लीज। अरे अभी नहीं लाइव से निकलूंगी तब देख लूंगी मैं। कौन है? और आप लोग फॉलो थैंक करते हो? यू। फॉलो करते डिड हो ही सेंड आप इट टू लोग? यू? जो जो ऐड ही सेंड ऐड यू टू करके गेट इट भेजा टू है यू। आप लोग फॉलो करते हो होल्ड मुझे? ऑन होल्ड ऑन, बिल्कुल। चलो ठीक है, एक दिन की ले रही हूँ। मारो गुजराती नथी आवड़ती, हिंदी माँ बोलू छे। मलाइका दी गिराना मत है, मैं शर्ट पहन लू, गिराना मत मैं टी शर्ट पहन लू। केम अच्छा छो मजा मत, हो मजा माँ। मैं जयपुर से हूँ, वैसे राजस्थान जयपुर से हूँ। आज इतने आप सारे शर्ट जयपुर पहन के रही हो तो लोग। आप सामने आ जाओ। हाँ 1 मिनट में पहन लेता राज हूँ एक्चुअली। गुड नाइट, इतना जल्दी सो रहे हो। वैसे मलाइकी जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बार तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप खुद नीचे चली गई थी और बाबा को आपने बोला था कि राहुल को ऐड कर लो, मुझे ऐड करवाया था आपने एक बार, उस दिन आप नीचे चले गए थे इसलिए मैं आपको थैंक यू नहीं बोल पाया था। इसलिए पहले तो मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। नहीं सबको बैठने का हक है ना। और दूसरा ये है कि मतलब जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जैसे कि अजमेर गए हो ना आप, हाँ, हर साल जाती हूँ मैं। हाँ तो अजमेर जाओगे ना तो सरवाड़ जरूर जाना, या गए होंगे आप नहीं पता नहीं 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 मुझे, गई नहीं, मैं मगर तारागढ़ गई अजमेर हूँ। जब तक, अजमेर जब तक पूरा नहीं है, जब तक आप सरवाड़ शरीफ ना जाओ तक पूरा वो नहीं है। काफी घंटे लगते हैं ना वहां से। नहीं नहीं वहां से
3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे का सरवाट शरीफ बोलते हैं। जैसे कि कई लोगों को नहीं पता है, कई लोग सिर्फ हाजी अली जाते हैं, मगर हाजी अली ऐसा कहते हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, पर जहां तक पता है हाजी अली तब तक पूरा नहीं है जब तक आप सामने मामा साहब ना जाओ, जो मामा साहब की दरगाह है हाजी अली के पीछे से, उस साइड से दिखती है वो। कोई बोल रहा है 50 रुपीज आने जाने जाने का या जाने का लगता है। हाँ मतलब वहां से काफी, जैसे कि अजमेर आप जाओगे ना तो अजमेर पूरा नहीं होगा जब तक आप सरवार शरीफ नहीं जाओगे, क्योंकि वो वहाँ उनके मामा है, मामा साहब का है, और वो भी इतना ही, मतलब वहाँ भी इतने ही लोग जाते हैं जितने अजमेर जाते हैं। तो इस बार मैं सुबह के फ्लैट से जाऊंगी, पहले ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ियारत कर लूंगी, उसके बाद फिर मैं वहां से गाड़ी पकड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि उसके लिए वहां से लोकल गाड़ियां मिलती है, 2025 में आप खुद की गाड़ी कर सकते हो वहां से। 3 घंटा लगता है। हाँ, 2.5 से 3 घंटा, क्योंकि रास्ता खराब है ना उस साइड का, इसके लिए बाकी ऐसे पास ही है। तो और मतलब वो आने में 3-3 हजार की, नहीं सिर्फ जाने का। वैसे में हम लोगों का खुद का वहां पे घर है अजमेर में, लोहा खान में, लेकिन हम लोगों ने जो दरगाह के मतलब मौलवी है ना, उन लोगों को मतलब गिफ्ट कर दिया है। हम लोग हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं हम लोग, लेकिन हमारा लोहा खान में घर था, वो मतलब काफी सालों पहले हमने वहां, जो अब भी आज भी हम जब दरगाह जाते हैं ना, हमको लाइन वाइन में नहीं लगना पड़ता है, सीधे चले जाते हैं। अच्छा है हम लोगों का, तो ये आप जरूर करिएगा। बस थैंक यू, आपने ऐड किया, शुक्रिया। और सुहाना दी आपको भी शुक्रिया, आपने ऐड की करवाया, आप बात करते हो, अच्छे लगते हो, और ठीक है, आप मौका दीजिए सबको, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा लगा है, नहीं मुझे बहुत बार बोले थे जाने के लिए, पर क्या होता है ना, हम लोग मुंबई से जाते हैं फिर जयपुर उतरते, जयपुर से 3 घंटा, कभी 3.5 घंटा, कभी 2.5 घंटा, ट्रैफिक नहीं रहा तो 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। इतना थकान होता है ना कि रूम में जाके सो जाते हैं, क्योंकि रात को जॉब पे रहती हूँ, फिर घर आती हूँ, फिर नहा धो के तैयार होके नाश्ता। अरे मैं कैसे ऐड करूँ, मलाइका दी होस्ट है, मलाइका दी की लाइव है तो मलाइका दी ऐड कर रही है। कौन कौन है, बहुत जन बोल रहे हैं ऐड कराओ ऐड कराओ। हाँ मैं कर रही हूँ सबको एक एक बार कर रही हूँ। जो ज्यादा देर से रिक्वेस्ट भेजा हुआ है ना उनको कर रही हूँ। चलो बस अच्छे है। तो मलाइका दी आप उसको जानते हो, सोनी का रंडीगढ़ को? अरे अरे जानती हूँ, क्या हुआ, गाली दी क्या? मालूम है, मैं बताती हूँ आपको, बात करती हूँ, रुको मेरी बात सुनो। मुझे भी गाली दिया है क्या उसने? हाँ सुनो तो सही, पूरी बात तो सुनो। उसमें क्या हुआ, मयूर चाचा की लड़ाई चल रही थी, मयूर चाचा थे टाप की, और टाप की किसी लड़की के साथ फाइट हो रही थी, तो मयूर चाचा ने मुझे ऐड किया, मैं ऐड हुई, फिर वो लड़की चली गई, फिर मैं और टाप बैठे थे, और नीचे से वो आई, रंडी जो भी है, सोने का चंडीगढ़, रंडीगढ़ है, रंडीगढ़ चंडीगढ़ नहीं। फिर क्या हुआ? फिर वो आई, मेरे तो कैमरा बंद कर दिया, टाप का भी कैमरा बंद था, मयूर चाचा का बोल रही है इस रंडियों को बोलो अपना कैमरा ऑन करे, ऐसा बोली। फिर मेरा दिमाग हटा था, बहुत अच्छे से लिया था मैंने उसको। तो इंसान रंडी होता है तो वो बार बार रंडी बोलता है ना, खुद रंडी है तो उसको लगता है। नहीं नहीं, अच्छे से लिया था मैंने बोला तू रंडी तो सब रंडी है। फिर मैंने करण चाचा को गांड में बहुत चर्बी आ गई है, जानबूझ के सबसे पंगा ले रही है। हाँ मैंने बोला, अरण चाचा को भी बोला मैंने कि अरण चाचा अगर ऐसी रंडिया हो ना लाइफ है तो मुझे ऐड मत करना आगे से रंडियों के साथ। क्यों उधर अरहन की लाइफ पे नहीं जाना चाहिए तुझे? अरे ताप की ना, मुझे नहीं पता था। नहीं नहीं नहीं, तू मत जाना। तूने कभी देखा कि मैं ऐसे वैसे लोगों के लाइफ में जाती हूँ? नहीं नहीं, ताप की ना, ताप थी ना वहाँ पे,
इसीलिए मैं गई थी, मुझे नहीं पता था ये अरहन अरहन की लाइफ पे अरहन। हाँ हाँ अरहन चाचा। अच्छा हाँ अरहन की तो ठीक है, मुझे लगा वो दूसरा चाचा जो। नहीं 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 अच्छा से लिया था मैंने, बोला तू रंडी तो सब रंडिया। उसकी गांड में बहुत चर्बी आ गई बहन चोद की, परसों वो गाली देती है शेरनी को भी गाली दे रही मैंने सुना था। हाँ हाँ है ना, अरे ले आ जाएगी लपेटे में, किसी के एक आध दिन किसी के लपेटे में आ गई ना। नहीं इसकी गांड में बहुत चर्बी आ गई है, मेरे लाइफ पे क्यों नहीं आती है भाई, हंसना तक भूल जाएगी मादर चोद साली। नहीं नहीं मेरे लाइफ पे एक बार आके गाली दे के दिखा की रंडिया है या जो भी है, मैं बता दूंगी तू नहीं करेगी ना। फिर क्या बोलती है मालूम है, मैं आती हूँ तो सब भाग जाते हैं। अरे तेरे साथ कोई बैठे कौन, तेरा लेवल भी होना चाहिए ना, तेरी औकात नहीं है कि तेरे साथ कोई लाई बैठे। मैं सच बोल रही हूँ सुहाना, जब ये लड़की मेरे लाइफ पे ऐड हुई थी ना तो वो खुद तोबा करके भाग गई थी कि मैं अच्छा किया मलाइका मतलब पनोड़ी बोलता है ना, पनोड़ी अच्छे से ही बोलता है, रंडीगढ़ रंडी ही है वो। उस लायक नहीं हूँ कि मैं मलाइका के लाइफ पे बैठ सकूं, मैंने वही बोला था अरहन चाचा को भी बोला कि ऐसी रंडिया हो ना तब मुझे ऐड मत करना। वो अरहन की पहले से ही दोस्त है, अरहन की पहले से ही दोस्त है, वो गर्लफ्रेंड है गर्लफ्रेंड उसकी। अरे जो भी हो माचूदा ने गई लेकिन लेकिन उसको कोई राइट्स नहीं होता कि कोई भी लड़की को रंडी छिनाल। अरे तब बोली कि हम लोग यूज्ड टू है तू मुझे बोल सकती है, पर कि इसे क्यों गाली दी तूने, और बहुत होने कमेंट में उसको लिया था। अक्की जी, अक्की जी आपको लू क्या मैं, बोलिए राहुल 92787। अरे मेरी लाइव नहीं है भाई, कैसे ऐड करूं मैं। राहुल राहुल रिक्वेस्ट भेज भाई, मैं देख रही हूँ एक्चुअली ना मेरे फीवर है तो। अरे गैरी फैन हाँ हाँ लिया होगा गोल्डी ने और आदि ने, अरे उसी लायक है ये साली दो कौड़ी की औकात ही क्या है उसकी। राहुल जरा रिक्वेस्ट भेजना मैं लाइव पे देख। बोला रंडियों का, मैंने बोला रंडियों का हर जगह रंडी ही दिखती है, उसको बोलना कभी हमारे लाइव पे आ जा गली में, फिर मैं बता दूं रंडी छिनाल कौन है। रंडी छिनाल हाँ भेज दो यार, सॉरी सॉरी क्यों भेजा है राहुल ने पता नहीं भाई। रिक्वेस्ट भेज दे भाई, मैं लेती हूँ आपको, रिक्वेस्ट भेजो, सबका डीपी देख देख के उठा रही हूँ मैं भाई। खाना दी सामने आ जाओ, अरे नहीं कुक कर रही हूँ मैं, खाना बना रही हूँ मैं, अभी नहीं आ सकती हूँ। जरा सोनी का चंडीगढ़ को लाइव शेयर करो, मैं बताती हूँ कि रंडी को। हाँ हाँ करो, रंडी को शेयर करो वो लाइव, उसको लाइव जरा शेयर करो, मैं बताती हूँ बदमाशी किसको बोलते हैं। रंडीगढ़ को लाइव शेयर करो, उसको पता है कि मैं उसको जो सुहाना, मैंने कभी उसको ये वर्ड यूज ही नहीं किया। मैं क्या सोचती पता है, हाँ। किसकी क्या मजबूरी है, किसकी क्या है, कोई अलग अरे अलग काम करता कोई घंटा, उसकी कोई मजबूरी नहीं है साली, की आदत हो गई है कि हाँ। सब वर्ड यूज करने की भाई, उसकी कोई घंटा तो मजबूरी नहीं है साली। राहुल भाई तू पहले ऐड करने के लिए, मैं तो ये बोलती हूँ लोग जाते भी कैसे उसके पास, ना शक्ल ना कुछ। अरे ये अरे ये पागल है क्या राहुल, मैं वही बोल रही हूँ। अरे राहुल रिक्वेस्ट भेजो जो भी हो तुम। नीचे आईडी नहीं दिख रही है भाई तेरी, मैं कितने देर से ढूंढ रही हूँ क्या डीपी है। अरहन ने सोनिका के लिए शेरनी को गाली दी, अरे जहाँ पे जो चीज मिलेगी रंडी वो खुल के दिखाती है तो उसी का ही फेवर लेंगे ना, जो रंडिया अपनी बॉडी शेमिंग करेगी उसी का फेवर लेंगे आदमी लोग। हेलो पटेल, रंडियों का काम ही यही होता है खोल के बैठ जाओ जहाँ देखो वहाँ, जिन साथ में बैठ जाएंगे उस दिन फाड़ देंगे और क्या। अरे मेरे को ना किसी ने ब्लॉक करके रखा है इसलिए उसकी शेरनी की लाइफ मुझे नहीं दिख रही थी। हाँ मुझे ब्लॉक करके रखा है किसी ने तो। अरे राहुल क्या मैडम जी है यार, कब से बोल रहे तुम्हें कि रिक्वेस्ट भेजो, पागल हो क्या। नहीं कर
करूंगी राहुल तुझे ऐड, चल माँ बहन कर दी कब से, आता ही नहीं होगा नया होगा। नीचे एक जन बोल रहा है चूत का कमल, सही बोला। चूत का कमल कोई ये नहीं, तुम लोग जान बुझ के तुम्हारे आंखों में मोतिया भी नहीं क्या? नहीं नहीं उस रंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं मैं लोगों को ही बोल रही हूँ, तुम लोग ऐसी औरतों को पसंद करके जाते भी हो ना उधर ही, इधर बोल के कोई मतलब भी नहीं है ना। गुड आई एम गुड। ये जो ये आप जरा ये भेजो जरा, अरे नहीं नहीं अब तो कभी ना जाऊं मैं, रिक्वेस्ट भेजो जिसकी आईडी मैंने पिन की है। अरे नहीं आएंगे वो, शिरीष उपाध्याय बहुत टाइम पहले आते थे मालूम है आपको, दी याद है? रिक्वेस्ट भेजना, रिक्वेस्ट राहुल तुझे रिक्वेस्ट भेजना नहीं आता तो सोनी का सेमलेस, सही बोला, उसकी कोई घंटा इज्जत नहीं है करंडी की। ना वीकेंड गिव हर फ्रूट विहाना, आर यू सीरियस? शी कैंट ईट द स्वीट, नो गोना हेयर फॉल। किसी को ऐड कर लो और किसी को ऐड कर लो। किया मैंने ऑफिस। अरे मैंने बोला ना नहीं, बट यू ऐड मी ना, मुझे बात करनी है, बाबा ने बोला था। हेलो बोले मैम, सामने अजब ब्लैक स्क्रीन मत रखो, ऐसे भी इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम है, आईडी फ्रीज हो जाती है यार मेरी। ये शान जैन बोल रहा है सोहाना तेरी मलाई का गई 6 दिन में। अरे जो उखाड़ना है उखाड़, सामने आके बोलना तू। मत चले जाइयो 2-3 दिन में भैया, सामने आ जाइए आप। हेलो, हाँ सामने आ जाओ, अभी तो घर में मैम, अभी तो ब्लैक है ना, सब लाइट बंद है। हम भी घर में ही है, मैं आपको डीएम करता हूँ। ओके ओके डन, मैं चेक कर लूंगी डीएम। कहाँ से बात कर रहे हैं मैम आप? हम घर से ही बात कर रहे हैं। मैं भी तो घर से ही बात कर रहा हूँ, सामने आ जाओ। रहने के लिए कहाँ है वो? घर में ही। भाई तुम कहाँ से हो बताओ? गोले पे रहते हम। क्या धुलिया? धुलिया महाराष्ट्र। अच्छा धुलिया नासिक से आ गए चांगला। बाऊ बाऊ सामने आ जाओ जरा, अभी सब फैमिली विमिली सब, इसलिए सब लाइट बंद कर दिया। क्या करते हो आप? मैं इधर है कलेक्टर के पास हूँ मैं। क्या हो? कलेक्टर के पास। उधर के लोग तो बहुत कम आते हैं इंस्टाग्राम पे। प्यून हूँ मैं, प्यून। अच्छा प्यून हो, हाँ बढ़िया है। नासिक में धुलिया में रहते हो आप? धुलिया नासिक से 200 किलोमीटर मालूम है, मतलब मायते कुटे आए धुलिया। धुलिया एंटर करते ही बड़ा जेल है ना, और बराबर अंदर घुसते ही बंगलो है। हाँ बराबर आप आए हो धुलिया? हाँ तो इसलिए तो बता रही हूँ। नासिक से भी बहुत दूर है ना, बहुत दूर है, जलगांव मालेगांव 3 घंटे लगते हैं। हाँ 3-3.5 घंटा लगता है नासिक से। बराबर एक्सीडेंट हुआ था मालेगांव में मेरे गाड़ी का, ट्रक वाले ने ठोक दिया था, फिर उसको मैंने चप्पल उसका ट्रक रोक के उसको रास्ते में मारा था। क्या बात है, मेरा मालेगांव उधर दुनिया में जब तक को जानते हो क्या? जब तक डॉक्टर है, जगताप डॉक्टर बराबर, मेरा बॉयफ्रेंड का चाचा है, ऐसा है। उनका जो बड़े भाई है ना, मुंडे रहते हैं, से चिल्ला के टंडेरा पीटा दे पूरे गांव में। मूवी का डायलॉग है ना। मैं काम से आई थी उधर, उनके साथ ही आई थी। नहीं नहीं अभी कुछ काम रहा ना तो बताना दुनिया में। नहीं नहीं हमें काम नहीं रहता है, बता रही हूँ मैं आपको कि जब धुलिया मैन एंटर करते तो उनका बंगलो है ना 2 माले का, एक्चुअली तो बंगले नहीं है, बहुत सारे बंगले है उनके, पर उधर धुलिया के डॉक्टर है वो।
जगता के डॉक्टर पर तो मैं आई थी, इसलिए ऐसे पता है मुझे कि उधर क्या है, जलगांव आप ना मालेगांव लकी सब। हो कि आपको कैमरा के लिए फोर्स नहीं किया, वरना मलाइका दी सीधा नीचे ही फेंक देती अरे अपना अपना, इधर का पटक इधर के बंदे कोई कोई नहीं पटक। आते।